फ्लोटिंग सोलर प्लांट, इट इज सीन ऑन द सरफेस, ब्राजील बिगेस्ट। लेकिन फ्लोटिंग सोलर प्लांट वो बस ठीक दिखता है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लमेटिक ये भी है क्योंकि ऐसे इंडिया में एक जगह, आई कैन नॉट रिकॉल, एक जगह एस्टेब्लिश किया गया था फ्लोटिंग सोलर प्लांट, लेकिन आफ्टर वेव्स और आफ्टर स्ट्रॉन्ग विंड इट गॉट डिस्ट्रक्टेड। तो पूरे जो सोलर प्लांट थे इट जस्ट क्रैश्ड ऑन द शोर। तो ये दिखाते हैं कि इसको कहीं ना कहीं माउंट करना जरूरी है। चलो रामगुंडम तेलंगाना। हाँ, वहीं पर हुआ था ना एक जगह, न्यूज में भी आया था। एंटी हिस्टामाइन्स आर यूज टू ब्लॉक इफेक्ट ऑफ माइनर एलर्जीज, कॉमन ड्रग दैट इज परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड दे आर यूज टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन, स्नीजिंग एंड नीजिंग। कश्मीर कारपेट, हजरत बाग, हजरत बल दरगाह श्रीनगर अट्रैक्टिंग पीपल फॉर रेयर स्पेक्टिकल, वॉशिंग क्लिपिंग ऑफ लार्जेस्ट कारपेट वोबन इन कश्मीर बाई फार। इट टुक 8 years टू कंप्लीट दिस काइंड ऑफ। जो कारपेट इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कश्मीर, कश्मीर वुलन, शालीमार वुलन, वुलन क्लॉथ के लिए फेमस है कश्मीरी वुलन, फिर कारपेट के लिए, क्विल्ट के लिए एक्सेप्ट। तो कारपेट इंडस्ट्री इज मोस्टली लेबर इंटेंसिव, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। 1 lakh आर्टिस्ट आर एम्प्लॉयड इन द कारपेट इंडस्ट्री। तो कोई अगर देख लो जीआई टैग ऐसे कारपेट में इन द कश्मीर, और मोस्टली द कारपेट एक्सपोर्टेड टू मिडिल ईस्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान एक्सेट्रा, और कॉम्पिटिटर कौन है, ईरान के। क्योंकि इंडिया में जो कारपेट इन्फ्लुएंस भी आया, द स्ट्रक्चर, द इंटरेस्टिंग डिजाइन एलिमेंट, दे आर मोस्टली पर्शियन। तो पर्शियन कारपेट होता है, एम्ब्रॉयडरी भी मोस्टली पर्शियन है, जो फूल का टेक्सचर होता है, कलर्स का टेक्सचर हो गया। वो इंडियन जो फॉर्म ऑफ कारपेट है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट रहते हैं, उसमें फूल से ज़्यादा उसमें कुछ ना कुछ एनिमल या फिर प्लांट्स ज़्यादा रहेंगे, और फिर कलर्स भी थोड़ा डिफरेंट रहेंगे एज कम्पेयर टू पर्शियन। और कश्मीरी बोलो। कश्मीरी कारपेट को मिला हुआ है जीआई टैग। और जो आपने बताया कि इंडिया में क्या रहता है, तो इंडिया के अंदर ज्योमेट्रिकल डिजाइन ज्यादा पाए जाते हैं, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, तो उसका ज्यादा यूज होता है। एनिमल मोटिव्स तो इतने नहीं होते, लेकिन इस चीज ये चीजें ज्यादा है। और जीआई टैग के साथ साथ जो भारत सरकार है उसने क्यूआर कोड भी जीआई टैग के साथ साथ इसको दिया है, कश्मीरी कारपेट को। 2022 में ही मिला है जीआई टैग अभी रिसेंटली। रिसेंट और क्या है, कानी कॉल इज देयर वॉलनट वुड कार्विंग्स, खट्टम बांड एंड पेपायर माचे एंड सोजनी, इन सबको जीआई टैग मिला है। ये कश्मीर के क्राफ्ट्स हैं। और ये सारे क्राफ्ट्स सुल्तान जैनुल आबिदीन जिन्होंने डल लेक के जुड़े हुए हैं, जो मिडिल टाइम में जिनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, उस समय से जुड़े हुए हैं। सो यू हैव टू जस्ट इम्प्लाई एंड यू हैव टू लॉजिकली थिंक। पेपर मैशे आर्ट है और कालीन है, उसके बाद इवन शीशे का भी आर्ट, शीशे का जो प्रयोग हुआ, एंड अदर काइंड ऑफ क्राफ्ट्स, दे आर लिंक्ड विद सुल्तान जैनुल आबिदीन। यस। थैंक यू। ऑर्गन डोनेशन, व्हेन वी डिस्कस अबाउट ऑर्गन डोनेशन, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है फेक और इलीगल तरीके के डोनेशन की, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ऑर्गन्स। उसके बाद फिर लिवर ट्रांसप्लांट या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसमें ब्लैक मार्केटिंग, एग्जॉर्बिटेंट प्राइस रहते हैं।
तो उसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी इंडिया में इंस्टीट्यूशन है नोटो, और वैसे ही नेशनल पर स्टेट लेवल सोटो हो गए। इट इज अंडर द एक्ट 1994 एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, एग्जैक्टली वर्ड एक बार बोल देना, 1994 में एक्ट था उनके अंदर इनको बनाया गया। तो ये बात कर रहे कि एवरी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन शुड हैव आई डी, यूनिक आई डी कोड फॉर ऑर्गन डोनेशन। और ऑर्गन डोनेशन मोस्टली इंडिया में ऑल्ट्रुस्टिक है, कमर्शलाइज नहीं है। ये भी कि आपके जो फ्रेंड्स सर्कल में वो डोनेट कर सकते हैं, फादर मदर या फिर नेबर कर सकते हैं। और पहले ऑर्गन डोनेशन के हिसाब से देखा है तो स्टेट का रोल ज्यादा था, अभी मेडिकल बोर्ड का रोल है, हॉस्पिटल का रोल है इसमें। तो ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड जब कल वे डिस्कस टैक्सी, एयर टैक्सी, तो ऑर्गन डोनेशन में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्रूशल। इट इज वेरी क्रूशल कि 24 आवर्स के अंदर पहुंचना चाहिए, नहीं तो फिर ऑर्गन खराब हो जाए। तो उसमें एयर टैक्सी काम कर सकते हैं, ड्रोन काम कर सकते हैं, कि भी क्योंकि एम्बुलेंस जाते आते समय लगता है, लोग हटते भी नहीं है, सिविक कल्चर उतने अच्छे डेवलप हुए नहीं है अभी, तो एयर टैक्सी रोक रोल हो सकते हैं। One thing इमिग्रेट notice I want to recommend, रुकता 1964 ट्रांसप्लांटेशन ना ह्यूमन का ऑर्गन। एक्ट, 2011 एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 2011। अमेंडमेंट होगा वो 1994 में एस्टेब्लिश हुआ होता। एंड एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो रिसेंटली हुआ है कि देयर वाज अर्लियर एज लिमिट ऑफ 65 इयर्स। अगर आप 65 इयर्स से ऊपर हो तो आप ऑर्गन लाइक डोनेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, बट अब ये लिमिट रिमूव कर दी गई है। तो नाउ एवरी पर्सन इज एलिजिबल टू रिसीव एन ऑर्गन फ्रॉम अ डिसीज्ड डोनर ऑर्गन। कैसे कौन से ऑर्गन होते हैं दैट कैन बी डोनेटेड और वापस से बॉडी के अंदर में रीजेनरेट हो सकते हैं? लिवर, एम पॉक्स वायरस यूजेस जीनोमिक अकॉर्डियन टू इवॉल्व एंड इन्फेक्ट ह्यूमन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इंडिया हैज इरैडिकेटेड स्मॉल पॉक्स आई थिंक ओवरऑल। एम पॉक्स 50 में अनदर पॉक्स वायरस, एम पॉक्स रिसेंटली हेडलाइन, रैपिडली एक्सपेंडिंग ग्लोबल आउटब्रेक, उसको मंकी पॉक्स ही कहा जाता है। 1958 में स्पिल ओवर इवेंट हुआ था इन रिसर्च फैसिलिटी इन्वॉल्विंग द मंकीज, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मंकी पॉक्स। थैंक्स टू 118 कंट्रीज एंड WHO, इट हैज बीन डिक्लेयर एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अंडर द IH गाइडलाइन, इंटरनेशनल हेल्थ सेफ्टी गाइडलाइन। इंडिया डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स 1979। ट्रू। मोर्टैलिटी रेट रेट 1 to 10% है इसके। कैसे होता है? इट इज एम पॉक्स है जीनोम अराउंड 197 किलो बेस। इट ऑल्सो इज नोन टू इवेड सिलेक्टिव इवोल्यूशनरी प्रेशर, इट डज बाई डुप्लीकेटिंग जीन, खुद डुप्लीकेट करते हैं, म्यूटेट करते हैं एंड एक्सपैंड जीनोम सिक्वेंसिंग। सच रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड जीनोमिक अकॉर्डियन। मतलब जीनोम सिक्वेंसिंग है बात जब डिस्कस करते हैं, जीनोम अकॉर्डियन क्या होता है? तो खुद से डुप्लीकेट करना जीन को, एक्यूमुलेट करना म्यूटेशन, एक्सपैंड करना या फिर छोटे करना अपने जीन को, इसको बोलते हैं जीनोमिक अकॉर्डियन। तो बेसिकली एम पॉक्स जीनोम जीनोम के बेसिस पे डिवाइडेड, क्लेड वन क्लेड टू, ऑन डिपेंडिंग ऑन देयर ओन इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक जीनोम अकॉर्डियन कीवर्ड और दूसरा एम पॉक्स वैक्सीन भी हो, उसके बाद देख लो।
एमपॉक्स के बारे में बोल रहे हो? हाँ एमपॉक्स वैक्सीन। अच्छा, एग्जैक्ट नेम तो आई थिंक पॉक्स वायरस है इसका, इसमें चेक करना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन नहीं है। ट्रांसमिशन थ्रू डायरेक्ट ब्लड फ्लूइड कॉन्ट्रैक्ट म्यूकोसल लेशन इन्फेक्टेड एनिमल को होता है। ट्रीटमेंट सपोर्टिव केयर होता है मोस्टली, लेकिन वैक्सीन में डेवलप हो रहा है, सब कंट्रीज में टेस्ट भी कर रहे हैं वैक्सीन को। एक तो ये जेनोस वैक्सीन, JYNNEOS, ये मतलब एमपॉक्स की वैक्सीन है। वैक्सीन है इसमें। हाँ ये है, बट ये इंडिया में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। इसमें इन एडिबल इंक जो यूज होता है, जब इसमें मैं डाला भी था एक बार, सिल्वर नाइट्रेट होता है इन एडिबल लिंक इंक में, और वो मिटते भी नहीं ओवर। इंक रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि काउंट वापस से वोट नहीं कर रहा, इसलिए रिक्वायर्ड है, डबल काउंटिंग नहीं होती इससे। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1937 बाई कृष्ण राजा वुडियार, महाराजा ऑफ मैसूर, मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। इट वॉज गिवन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर सच काइंड ऑफ इंक फ्रॉम 1962। आरपी एक्ट 1951 मेंशंस द इंक, वो बात की कि इन एडिबल इंक थम और एनी अदर फिंगर ऑफ एवरी इलेक्टर हु अप्लाइज फॉर द बैलेट पेपर एंड बैलेट पेपर फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग एट द पोलिंग स्टेशन। इट शुड बी बिफोर डिलीवर ऑफ सच काइंड ऑफ पेपर एंड पेपर टू देम, मतलब कि इंक पहले लगाया जाएगा। जब पेपर बैलेट बाय द नॉर्म वोटर हैड टू मार्क द प्रेफरेंस ऑन देम, उसके बाद वोटर इंडेक्स फिंगर वुड बी मार्क्ड विद द इंक। कैसे होता है? सिल्वर नाइट्रेट डाल देते फोटो एक बार, कलरलेस होते हैं, बिकम्स विजिबल व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रा वायलेट लाइट सनलाइट, डिफिकल्ट टू रिमूव एटलीस्ट 72 आवर्स आफ्टर एप्लीकेशन। इट इज एक्सपोर्टेड ऑल्सो टू 25 कंट्रीज, वहां पर भी कंबोडिया को भी चाहिए, मालदीव्स को भी चाहिए, बुर्किना फासो को भी चाहिए। तो इंडियाज प्रोसीजर इज अप्लाइड इन सेवरल कंट्रीज। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर, ये मैनिफेस्टो की बात हो रहा है, लेकिन अभी सुगम योजना और हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो एज था उसको हटा दिया गया। ओवरऑल प्रेजेंटली हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष्मान भारत स्कीम है, इट इज कवरिंग मोस्टली ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन इसमें आया था। इट इज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस, 5 लाख और 65 करोड़ बेनिफिशियरी, 13.4 करोड़ फैमिलीज अंडर द SCBC डेटा। वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, इट इज वॉलेंट्री, पहले 8.6% पॉपुलेशन 60 ईयर्स से ऊपर थे, लेकिन धीरे धीरे 8.6 से लेकर टू टू टाइम्स ज्यादा हो जाएंगे 2050 तक आते आते। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड द एजिंग पॉपुलेशन इन टू द हेल्थ केयर स्कीम, क्योंकि डिपेंडेंसी रेट बढ़ जाएगा वर्कर पॉपुलेशन के ऊपर, और चांसेस ऑफ CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक टाइम के साथ, एज के साथ बढ़ते जाते हैं।
तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने के लिए इट इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और भी स्कीम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, कोऑपरेटिव हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल में ओनली 1% ऑफ द हाउस होल्ड हैव कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस स्टिल 70%, लैक ऑफ अवेयरनेस भी। और दूसरा देख के क्यों ऐसा, क्योंकि अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और कैंसर के लिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो 6,000 रुपया खर्च होता है एज कम्पेयर टू 68,000 एंड 1 लाख इन प्राइवेट सेक्टर। ये एवरेज का बात हो रहा है। दैट इज वाई टू रिड्यूस आउट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ इंश्योरेंस शुड बिकम वेरी वाइड, और प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिव दे सकते हैं कि आप जो पॉपुलेशन को रोप इन करो इन द कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि ओनली 1% हैव हाउस होल्ड ऑफ हाउस होल्ड हैव कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब जो ओल्ड एज है, वेदर दे आर पुअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, दे विल बी इंक्लूडेड अंडर PMJAY अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टो ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी। क्योर स्केयर एंड कॉम्पिटिशन, जब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बात करते हैं उसमें भी ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर 50 मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 50% ऑफ टोटल हेल्थ कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन आर प्राइमरी ड्यू टू द पेटेंटिंग। इसी कारण टू रिड्यूस द कॉस्ट इंडिया प्रमोट्स जेनेटिक मेडिसिन अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग, दोहा राउंड ऑफ मेडिसिन बोलते हैं इसको, ट्रिप्स। इंडियन पेटेंट लॉ डज प्रोवाइड डिसीजन टू अपोज द पेटेंटिंग ऑफ मेडिसिन। अ सक्सेसफुल अपोजिशन मीन्स दैट जेनरिक कंपनी कैन प्रोड्यूस द सेम ड्रग विद द सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड दैट हैव द सेम एफिकेसी लेवल। तो इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग बाय लेट 1980s और लीडिंग ड्रग जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चर 1990s में। ट्रिप्स अग्रीमेंट हुआ 1995 में, विच टॉक्ड अबाउट री इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट पेटेंट, लेकिन 2005 के अंदर में वापस से पेटेंट में अमेंडमेंट किया गया। और उसमें बात किया गया कि ओल्ड ड्रग वापस से उसको नहीं बना सकते और वापस से पेटेंट नहीं कर सकते अंटिल अनलेस उसमें जो एफिशिएंसी है वो चेंज हो जाए, एफिकेसी चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल जो ड्रग 70% एफिकेसी था वो अगर 80% 85% है तब वापस आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सेम एफिकेसी लेवल पर नहीं कर सकते। तो पेटेंट एक्ट में चेंजेस किया गया। दूसरे की पेटेंट एक्ट में इट वाज टू मेक फ्लेक्सिबिलिटी, इट वाज टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द ट्रिप्स अग्रीमेंट। उसमें किया गया कि गवर्नमेंट कैन इशू लाइसेंसिंग टू अदर कंपनीज विदाउट कंसेंट ऑफ पेटेंट होल्डर, इसको बोलते हैं कंपल्सरी लाइसेंसिंग, अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट, अंडर द हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ सिक्योरिटी, फॉर द हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ द पीपल कर सकते हैं। कैन इशू द लाइसेंस टू फर्म टू प्रोड्यूस द ड्रग विदाउट द कंसल्ट, विदाउट कंसल्टिंग द पेटेंट होल्डर। जो बिग कंट्रीज है, फार्मास कंट्रीज फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप, US, जापान, दे क्रिटिसाइज इंडिया ऑन दिस स्टैंड, लेकिन इंडिया का स्टैंड रहा है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन टू क्रिएटेड टू, उसमें मोस्ट ऑफ देम आर वर्नेबल, दे आर प्रोन टू डिजीजेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, इट इम्पैक्ट द ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल, दैट इज वाई
जेनेटिक मेडिसिन इज नीडेड, और जेनेटिक मेडिसिन इज नीडेड नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज फॉर द वर्ल्ड. इट इंडिया इज ऑल्सो शोकेस्ड ड्यूरिंग द COVID-19 क्राइसिस अंडर द वैक्सीन मैत्री. या हाइड्रोक्लोरोक्विन दिया गया था यूएस को भी एट अ अफोर्डेबल रेट. तो उसमें वाकई टेक्निकल एस्पेक्ट है पेटेंट के लिए, आई थिंक उसमें ऐड करना. और तो बोलो, नहीं और तो कुछ ऐड नहीं करना तो दो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. पहला है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग, ट्रिप्स मिशन. दूसरे की एफिकेसी लेवल अगर सेम रहेगा तो री इशू नहीं कर सकते पेटेंट, चेंज होने से आप कर सकते. एंड पेटेंट एक्ट 1970 अंडर विच पेटेंट ऑन द ड्रग्स इज गिवन. वी हैव कंप्लीटेड. तो रिगार्डिंग द कंक्लूजन, वी डिस्कस रिगार्डिंग द वॉटर स्ट्रेस, क्लाइमेट रेजिलियंस, रोल ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम्स अमृत, हाउ टू लेवरेज फाइनेंस टू इम्प्रूव द वाटर एफिकेसी लेवल, वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, माइक्रो इरीगेशन, डीसैलिनेशन, ग्रीन क्रेडिट, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू कार्बन क्रेडिट, सी एस आर फंडिंग, वाटर प्रोडक्टिविटी. क्योंकि की कॉन्सेप्ट था कि वाटर सिर्फ पीने के लिए नहीं होता, इट इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज. It is a very important tool for the manufacturing base. Richer nations show more support to the poorest country on the basis of equity in the UNSC, climate change, vulnerability, UNGA, multilateral institution, or normative standardization. They will discuss regarding the empowering the guardian of the earth, that is tribal population, biodiversity, एनिमल एनिमल प्लांट्स कैसे कर सकते हैं, इसको रोप इन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल PESA, चैलेंज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी 24/7 ये टैरिफ हाई है. इसके बाद फिर ई वेस्ट जनरेशन होगा, उसको कैसे डील करेंगे. क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड इशूज है, उनके जो हाई अमाउंट ऑफ बैटरी चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप करना जरूरी है रिगार्डिंग रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी. अलग अलग रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी में वर्क करते हैं, एफिशिएंसी लेवल डिफरेंट है, तो इट बिकम्स वेरी इंपेरेटिव टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी. तो इसमें की कॉन्सेप्ट है एग्रो वोल्टिक. एग्री वोल्टिक मतलब कि एग्रीकल्चर वहीं पर हो रहा है और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स वहीं पर हो रहा है दोनों. फॉर एग्जाम्पल कुसुम. देन वी डिस्कस रिगार्डिंग द लोकल नेचर बेस्ड लर्निंग, कैसे पढ़ते के साथ साथ आप फील्ड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीचर ट्रेन कर सकते हैं, टीचर को भी ट्रेन कर सकते हैं, ऐसा हो भी रहा है. फॉर एग्जाम्पल चेन्नई में ग्रीन हब नॉर्थ ईस्ट, दे ट्रेन द टीचर्स रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द स्पीसीज, असेसमेंट ऑफ द स्पीसीज, लोकल बायोडाइवर्सिटी. उससे बच्चे पढ़ भी सकेंगे और सीख भी सकेंगे लोकल हेरिटेज कल्चर पर. ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए रिगार्डिंग द इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ द जेंडर, क्लाइमेट, न्यूट्रिशन, फूड वैल्यू चेन. क्योंकि क्लाइमेट चीज इट इज नॉट अ यूनिट डायरेक्शन कि इन्वायरमेंट है से रिलेटेड है, सिर्फ ओवरऑल सबसे रिलेटेड है. जिसमें की वर्ड देखे थे मिशन छत्तीसगढ़, जिसमें मिलेट प्रोडक्शन वॉज गिवन मोर एंड मोर इंसेंटिव. की वर्ड पढ़े थे एक और रोम डिक्लेरेशन न्यूट्रिशन. फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग, रोल ऑफ द जू थैलेंट विच गिव्स ब्राइट कलर्स, यूनिक कलर्स ऑफ कोरल. कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है, एल निनो ला निनो, सी सरफेस टेम्परेचर, ओशन एसिडिफिकेशन के कारण होता है.
हाउ क्लाइमेट चेंज इज फ्यूलिंग लिटिगेशन इन इंडिया, एमसी मेहता केस, सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. क्यों क्लाइमेट जस्टिस इंपॉर्टेंट है मैं डिस्कस दें. इंडिया एंड स्लोवाकिया, स्लोवाकिया लैंड बेस्ड कंट्री, चेकोस्लोवाकिया तो चेक के नीचे में, इन द मिडिल यूरोपियन कंट्री है. मोस्टली इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो सेक्टर है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है. फ्लोटिंग सोलर प्लांट से बात की कि चैलेंजेस क्या होते हैं कि विंड प्रेशर और माउंटेड नहीं होते एक जगह में, तो इट अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना में ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द हाई स्पीड विंड इट क्रैश द सोलर पावर प्लांट टू द सोर्स, इसलिए इट शुड बी माउंटेड. कश्मीर मैजिक कारपेट वे डिस्कस कि जीआई टैग मिला है, उन डिफरेंस क्या है इन कश्मीरी कारपेट में और लोकल इंडियन मोड कारपेट. कारपेट इंडस्ट्री एम्प्लॉयज 1 लाख पीपल. देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वी डिस्कस एयर फ्रेट टैक्सी नोटो सोटो अंडर द थोटा एक्ट 1994. यूनिक आईडी से कारण क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, ब्लैक मार्केटिंग कम होगा ऑर्गन डोनेशन. एम पॉक्स यूजेस जीनोमिक अकॉर्डियन, जीनोम म्यूटेशन पता है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जीनोम के जो ATCG ATCG उसको आप सीक्वेंस कर दें, जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, इट बिकम्स वेरी, इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीनोम इन द इंडिविजुअल. लेकिन जीनोम अकॉर्डियन क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म खुद से जीनोम म्यूटेट करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने जीनोम को, तो वो जीनोम अकॉर्डियन होते हैं, जैसे मंकी पॉक्स में देखा गया. उससे रिलेटेड वैक्सीन भी डेवलप हो चुका है, इंडिया ने इसको इरेडिकेट किया 1970s में. इन एडिबल इंक आरपी एक्ट 1951 में मेंशनड है, और की वर्ड इसमें सिल्वर नाइट्रेट, और वो कलरलेस सब्सटेंस है, वो रिएक्ट करते हैं यूवी रेट से, यूवी लाइट से, और फिर इट बिकम्स परमानेंट, 72 आवर्स के पहले हटाना मुश्किल होता है. इंडिया एक्सपोर्ट सच काइंड ऑफ इंक टू अदर कंट्रीज. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द इन सीनियर, वाई इट इज इम्पोर्टेंट, 8.6% पॉपुलेशन है पहले, और 2050 आते आते 19% पॉपुलेशन हो जाएगा. तो सीनियर सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम जनरेशन कास्ट बैकग्राउंड उनको दिया जाएगा, क्योंकि सीबीडी हाइपरटेंशन डायबिटिक क्रोनिक लंग डिजीज से ज़्यादा पीड़ित वो लोग हैं, और मोस्टली डिपेंडेंसी रेट बढ़ जाएगा तो वर्कर प्रोडक्टिविटी कम होगा, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा. इसलिए थ्रू द यूज ऑफ द इंश्योरेंस मॉडल उनको एक कुशन प्रोवाइड कर सकते हैं. रिगार्डिंग मेडिसिन, इंडिया वन ऑफ द लीडर इन द वैक्सीन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इन द जेनरिक मेडिसिन कैटेगरी. इंडिया में पेटेंट एक्ट है दैट ग्रांट्स पेटेंट टू द कंपनीज, लेकिन उसमें एक और एक हाईलाइट है कि आप वही सेम मेडिसिन को अलग फॉर्मूले बना करके नहीं बेच सकते, अनटिलनेस एफिकेसी थेरेपेटिक एफिकेसी ज़्यादा है. दूसरा, इंडिया कैन ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू द जेनरिक मेडिसिन कंपनीज टू क्रिएट सच काइंड ऑफ ड्रग्स एट अ अफोर्डेबल चीपर रेट, सो दैट द मेडिसिन इज अवेलेबल टू लार्ज पॉपुलेशन ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस, ऐसे COVID-19 में भी हुआ और पहले. तो ये तो बस दो मैं यहाँ बोल रही हूँ, ट्रिप्स अग्रीमेंट इंडिया 1995 ये क्या बोल. का जो इंडिया में जो फार्मा सेक्टर है वो ओरिजिनल जो हमारा एक्ट है पेटेंट एक्ट 1970 उसके अंडर फार्मा सेक्टर नहीं था, तो फार्मा सेक्टर वो ब्रॉट अंडर इट इन 2005. टेरिटोरियल राइट्स होती है, हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि सिर्फ इंडिया के अंडर ही आपको मिलेगी, इट वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड इंडिया को जो एक्ट डज नॉट अलाउ एवरग्रीनिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस दो कन्वेंशन है, बर्ने कन्वेंशन 1886 जो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड है रिगार्डिंग पेटेंटिंग, सेकेंड इज बुडापेस्ट ट्रीटी 1977 तो ठीक है. पेटेंट से रिलेटेड है. तो ओके, थैंक यू एवरीवन. वी विल टेक अप इम्पोर्टेंट सोर्सेस एंड वी विल ट्रेस अप इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर, सो दैट वी कैन डेवलप इनसाइट इनटू द लर्निंग फॉर द पीटी एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन ड्यू टू द अनसर्टेनिटी.